ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवद गीता अध्याय एक, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या एक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? हरे कृष्णा, वाफली का स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे इस महान ग्रंथ की, जो कि एक महान युद्ध से प्रारंभ हुआ और इस युद्ध के अंदर क्या क्या शिक्षाएं छुपी हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो पूरी घटना है, ये सारी भगवद गीता का जो हम सुनेंगे, ये एक्चुअली में धृतराष्ट्र और संजय के बीच की वार्तालाप है। जो कि अब इसमें क्वेश्चन आता है कि संजय कौन है। संजय है व्यास देव का शिष्य, तो यही उसकी मुख्य पहचान है। और भी पहचान है कि वो दासी पुत्र है इत्यादि, लेकिन मुख्य रूप से वो व्यासदेव का शिष्य है। व्यासदेव कौन है? व्यासदेव भगवान की अवतार हैं, साहित्यिक अवतार, लिटरेरी इंकार्नेशन कहते हैं। सारे ग्रंथों की रचना करने वाले व्यास देवी हैं। सारे वेदांत सूत्र, पुराण, उपनिषद, ये सब के रचयिता केवल एक ही व्यक्ति है। आप देखेंगे कि ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने ग्रंथों की रचना करी जाए। तो ये लोग कहते हैं किसी व्यक्ति ने लिखे हैं ये ग्रंथ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे कि अपने जीवन काल में कोई पूरा भी जोर मार ले तो कुछ किताबें लिख लेता है, हाँ, लेकिन इतने लाखों श्लोकों की रचना कर देना और इन ग्रंथों का आपस में इतना तालमेल, ये अद्भुत है। तो ये भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान की इंकार्नेशन व्यासदेव, उनके बारे में थोड़ा सा हम और जानेंगे श्रीमद् भागवत के बारे में। तो अभी इतना है कि संजय जो है उनका शिष्य है और संजय को स्पेशल पावर्स दी गई हैं उनके गुरु व्यासदेव के द्वारा, जिसके द्वारा वो युद्ध में होने वाली हर चीज़ को देख पा रहे हैं और उसका आँखों देखा कानों सुना, एक तरह से बयान यानी कि लाइव टेलीकास्ट वो देख रहे हैं। उस लाइव टेलीकास्ट को वो सामने रख रहे हैं धृतराष्ट्र के। तो बिना डिश टीवी के उस ज़माने में धृतराष्ट्र इसको देख पाए। तो अब धृतराष्ट्र के अंदर जिज्ञासा है, तो क्या जिज्ञासा है उसके लिए पहला श्लोक सुनते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किं मकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में। तो एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें जानने के लिए, तो उसको हम एक एक चीज़ को समझेंगे कि यहाँ बात हो रही है किसी धर्म क्षेत्र की। धर्म क्षेत्र यानी कि कोई पायस जगह, तीर्थ स्थान, धर्म का क्षेत्र, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो हमें धृतराष्ट्र की मनोस्थिति का पता चलेगा। धृतराष्ट्र एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मैं और मेरा के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि उसका क्वेश्चन है कि मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। तो क्वेश्चन है कि वो अपने आप को, अपने पुत्रों को, यानी कि जो दुर्योधन इत्यादि हैं, 100 पुत्र हैं, उनको तो मानता है कि ये मेरे हैं, लेकिन पांडु के पुत्रों को मानता है कि ये पराए हैं। संसार में सारी जो झगड़े हैं, जो एनवी है, जो द्वेष है, वो सारे मैं और मेरा से ही शुरू होते हैं और मैं और मेरा पे ही ख़त्म होते हैं। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे कि हमारी अक्सर किसी बातों में लड़ाई होती है। कई बार तो इतनी हैरानी होती है कि बहुत ही मैच्योर्ड लोग होते हैं, हाँ, बड़े सुलझे हुए समझे हुए, बड़ी अच्छी सोसाइटी के भी लोग होंगे, लेकिन आपस में बच्चों के झगड़े में खूब ज़बरदस्त झगड़ा हो जाएगा आपस में, हाँ। इसने मेरे बच्चे को ऐसा, आज ही मुझे कोई घटना बता रहे थे, एक स्कूल में एक लेडी ने एक बच्चे को होमवर्क ना करने पर डांट दिया और वो लेडी शाम को पूरा बोरिया बिस्तर लेकर उस पर आ गई कि मेरे बच्चे को कैसे डांट दिया तुमने, हाँ। अब सोचिए, बच्चे को, बच्चा बस ओके, हाँ, उसको सही लगा था उसको लिए ऐसा ना, तो रोया था या, लेकिन उसने सारी घटना बताई होगी तो उसको बड़ा अपमानित फील हुआ और उसने बच्चे के हृदय में भी ये डाल दी बात कि यदि कोई आपको अपमानित करे तो आपको ज़रूर बदला लेना चाहिए।
तो ऐसे वो पेरेंट थे जो वहां पे गए और उसको टीचर को खूब डांट दिया, कैसे आपने इसको डांटा। अब देखिए तो ये स्थिति है, ये मेरे मैं और मेरा के चक्कर में आती है। तो यहाँ पर दुर्योधन को उसने, दुर्योधन के भाइयों को उन्होंने अपना समझा, इसलिए सारी ये जो युद्ध हुआ ये इसी कारण से हुआ। यदि वो ये मानता कि हम तो एक ही हैं, देखिए एक होने के अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। यदि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इनके पिता यानी कि पांडु और मैं एक ही पिता के पुत्र हैं, अगर हम ये सोचें तो हम सोचेंगे हम एक ही हैं। अगर माना हम एक ही पिता के पुत्र नहीं भी हैं, चाचा ताऊ हैं, तो हम ये माने अच्छा हम एक ही दादा के अंदर आते हैं, है ना, दादा के अंदर भी नहीं आते तो हम उसके ऊपर जाएंगे तो हम एक ही परदादा के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो कॉमन लिंक हमें मिलता है। कई बार हम देखते हैं हम गांव में जाते हैं और गांव में लोग बोलते हैं ये मेरे गांव का है, हम जाते हैं कहीं अच्छा आप भी उत्तराखंड के, ओहो हम भी तो उत्तराखंड के हैं, अच्छा आप बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, कितना अच्छा, कभी बाहर इंडिया से बाहर जाते हैं अच्छा आप इंडियन हैं। तो इस प्रकार से वो कॉमन लिंक हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब वो कॉमन लिंक हमें मिलता नहीं है तो द्वेष हो जाता है, जब हम कुछ कॉमन नहीं देख पाते आपस में तो द्वेष होता है। अब इस कॉमन को अगर देखना है तो सबसे ऊपर अगर हम जाते जाएं तो सर्वोपरि कृष्ण है, जो कि हर चीज़ के क्रिएटर हैं, आदि गोविंदम आदि पुरुषम, जो गोविंद है वो आदि मतलब होता है प्रथम, वो प्रथम पुरुष हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम हर वस्तु को उस आदि पुरुष, ओरिजिनल आदि पुरुष, दादा का दादा का दादा का पापा, उनके पापा उनके पापा, तो आदि पुरुष द फर्स्ट पर्सन कौन है, आदि पुरुषम गोविंदम आदि पुरुषम। तो हम जब उस आदि पुरुष को के रिलेशन में सबको देखते हैं तो हमको लगता है ओहो हम तो सारे ही रिलेटिव हैं। जब हम सारे रिलेटिव हैं तो फिर हम क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों ना हर चीज़ का मसला उस कृष्ण की नज़र से सुलझाया जाए। क्या हमारे पिता प्रसन्न होंगे यदि दोनों बच्चे आपस में झगड़ा करें, तो बिल्कुल नहीं होंगे। यही हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो परम पिता हैं वो किस चीज़ से प्रसन्न होंगे, किस चीज़ से अप्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने कहा नहीं, पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मेरे पुत्रों ने क्या किया, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, क्यों इस पर इतना जोर दिया। वो बोल सकते थे कि क्या चल रहा है, जरा बताइए लड़ाई कैसी चल रही है, क्या प्रिपरेशंस हैं। वो बोलते हैं धर्म क्षेत्र में क्या हुआ, और ये भी बोल सकते थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। आज भी ये जगह जानते ही आप, अम्बाला के आगे ये जगह पड़ती है, चंडीगढ़ से पहले कुरुक्षेत्र आज भी है, वो स्थान भी है जहाँ गीता बोली गई। तो धर्म भूमि क्यों बोला गया, क्योंकि धृतराष्ट्र जानते थे कि कहीं ना कहीं इस धर्म भूमि का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, एक इम्पैक्ट तो ये पड़ सकता है क्योंकि ये धर्म स्थान है तो पांडव जो हैं थोड़े से धार्मिक लोग हैं, और धार्मिक होने के कारण हो सकता है कि युद्ध को ही छोड़ दें और युद्ध को छोड़ के चले जाएँ, तो ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बिना लड़े हमें राज्य मिल जाएगा। दूसरा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका प्रभाव उल्टा पड़े और पांडवों की शक्ति बढ़ जाए, क्योंकि वो धर्म के साथ हैं, उनके साथ स्वयं कृष्ण हैं, हम उनका हक उन्हें नहीं लौटा रहे हैं, तो धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है धर्म क्षेत्र का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ गया है पांडवों के ऊपर, और मेरे बेटों के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए, उनकी शक्ति ही चली जाए, इसलिए बड़े क्यूरियस थे क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि समझौता हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भीष्म ने दोनों को समझा लिया, क्योंकि भीष्म वो कॉमन लिंक माने जा सकते थे यहाँ पर, ये भीष्म दोनों पार्टीज के दादा हैं, परदादा हैं, पिता महा हैं, तो कहीं उन्होंने सबको फैला फुसला तो नहीं लिया। द्रोण जो हैं दोनों तरफ के गुरु हैं, हाँ मार्शल मतलब मिलिट्री गुरु हैं, क्या उन्होंने दोनों तरफ को समझा तो नहीं लिया, किसी तरह से लड़ाई थम तो नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमें कुछ पांडवों को देना पड़ेगा, राज्य का बंटवारा होगा जो नहीं चाहते थे। तो यही कारण है संसार में इतने सारे युद्धों का। क्या कारण है कि हम नहीं जानते हैं कि ये वस्तु एक्चुअली सारी वस्तुएं कृष्ण की हैं और सभी के लिए हैं। आज की डेट में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन अमीर से फिर भी अगर कुछ मांगने जाते हैं तो वो 10 रुपये भी आपको देगा नहीं, क्योंकि वो और ज़्यादा इकट्ठा करना चाहता है। तो इसलिए ये जो लालच है, ये लालच भी मैं और मेरा से, आखिर ये मैं और मेरा क्या है, ये मैं और मेरा शुरू होता है इस शरीर से, ये शरीर से प्रारंभ होता होता हम सोचते हैं कि ये मेरा शरीर है या ये मैं हूँ या मेरा शरीर है, इसको हम अपना मानते हैं, इससे इसलिए इस शरीर से निकली हर चीज़ को, तो हम अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं तो हम सोचते हैं ये मेरे शरीर से ही तो निकला है, इसका मतलब मेरा है। माँ सोचती है इसको मैंने ही तो जन्म दिया है, इसका मतलब ये मेरा पुत्र है, वो पराया पुत्र है।
इसको मुझे प्यार करना चाहिए, उसको तो ठीक है देख लेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस। तो इस शरीर से निकलता हूँ, पहले हमारे बच्चे हुए जो हमारे हुए, इस शरीर से संबंधित मेरी पत्नी मेरी है क्योंकि शरीर के साथ इसका विवाह हुआ है, वास्तव में विवाह शरीर से हुआ है, और उसके बाद उन बच्चों के बच्चे मेरे हैं। इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है, फिर जिस जगह में ये शरीर रहता है वो जगह मेरी है, वो देश मेरा है, वो राज्य मेरा है, वो कम्युनिटी मेरी है, वो जाति, वो संप्रदाय मेरा है, और ये बढ़ता इस तरह से जाता है। अल्टीमेटली ये जितने भी हैं, देश प्रेम, राज्य प्रेम, बीच में काफ़ी झगड़े हुए थे, महाराष्ट्र में से नॉर्थ इंडियंस को निकालिए, साउथ इंडिया से साउथ इंडियन, वो नॉर्थ इंडियन बोलेंगे यहाँ से साउथ इंडियन को निकालिए, तो ये जो मैं और मेरा का ही सारा संसार में प्रॉब्लम है। लेकिन ये क्यों आती है, हम आपको बता रहे हैं, ये आती है देहात्म बुद्धि से। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको बार बार बोलेंगे, देहात्म बुद्धि यानी कि बॉडीली कॉन्शियसनेस। जब हम हर चीज़ को इस बॉडी से संबंधित देखते हैं, और जब तक हम उस कॉमन लिंक जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कृष्ण को नहीं समझ पाते, तब तक हम ये भेदभाव करते हैं जैसा यहाँ पर हुआ। और इसके कारण बहुत सारे क्वेश्चन थे धृतराष्ट्र के हृदय में कि क्या हुआ, धर्म क्षेत्र में क्या हुआ। तो धर्म क्षेत्र क्यों था, ये धर्म क्षेत्र इसलिए था क्योंकि कुरु में, ये जो कुरु, इनके जो पूर्वज थे कुरु, उन्होंने एक बार कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी तपस्या करी थी, और भगवान विष्णु ने उनका टेस्ट लेने के लिए उनका शरीर मांगा, उनका पैर मांगा, उन्होंने पैर दे दिया तो पैर को काट दिया गया ना, उन्होंने अपना पैर भी भगवान को दिया। और बाद में भगवान ने दर्शन होकर बोला कि इस भूमि में हमेशा धार्मिक कार्य होंगे, और जो भी यहाँ पे रहेगा वो हमेशा धार्मिक कार्यों के उत्पन्न रहेगा, इस प्रकार का वहाँ पे आशीर्वाद मिला। हाँ, तो इसी कारण से वो धर्म क्षेत्र बहुत बड़ा धर्म क्षेत्र बना। तो इसी का डर था धृतराष्ट्र के मन में कि वहाँ पर क्या होगा। तो इस इन प्रश्नों से ये शुरुआत होती है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र की मनोस्थिति क्या थी। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ भी होता है वन हु इज वेरी अटैच्ड विद हिज राष्ट्र, यानी कि अपने संपत्ति से, अपने देश से जो बहुत अटैच हो, और उसके चक्कर में हाँ किसी को कुछ भी कर सके। आज हम यही देखते हैं कि धर्म के नाम पर भी लोग अटैच हो गए। देखिए, धर्म कभी लड़ना नहीं सिखाता है, लेकिन हम धर्म से भी इतना अटैच, क्योंकि ये मेरा धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये मेरा धर्म है, तुम्हारा धर्म नहीं है, इसलिए मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म बेकार है, इस चक्कर में आपस में लड़ाई होती है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हमें समझना है, हाँ, कि कैसे संसार को हम एक कॉमन लिंक के नज़र से देख सकें, विच इज कृष्णा हिमसेल्फ। शिला प्रभुपाद कहते थे कि यूनाइटेड नेशंस हमने बनाए, लेकिन यूनाइटेड नेशंस बनाने के बाद कई बार युद्ध हो गए, और यूनाइटेड नेशंस में अगर पहले माना 175 झंडे थे या 160 झंडे थे, अब वो 175 हो गए, यानी कि लोगों का डिवीज़न बढ़ता जा रहा है, देशों का डिवीज़न बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी आपस में हारमनी नहीं बन पा रही है। और शिला प्रभुपाद ने इसको करके दिखाया, एक ही इस्कॉन के बैनर के अंदर, एक ही लीडरशिप के अंदर सारे धर्म के, सारे जाति के, सारे कंट्रीज के लोग एक ही नाम जप रहे हैं, एक ही प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, भगवद्गीता पढ़ रहे हैं, एक ही तरह के कपड़े पहन रहे हैं, एक ही तरह के तिलक लगा रहे हैं पूरे संसार में। तो ये क्यों हो पाया, ये कैसे हो पाया, ये केवल इसी तरह से हो पाया क्योंकि हमने इन शिक्षाओं को समझा, जो कि समझाती हैं कि हम सबके बीच में कॉमन लिंक वो है कृष्ण। जब तक हम उस कॉमन लिंक को, मेरे हृदय में भी है, आपके भी हृदय में है, आपके हृदय में हो सकता है आपके बॉडी में अलग ब्लड हो, हाँ, कोई अलग ब्लड ग्रुप का हो, आपकी त्वचा का कलर अलग हो, आपका सरनेम अलग हो, आपकी आंखों का कलर अलग हो, लेकिन आपके हृदय में भी वही कृष्ण बैठते हैं जो मेरे हृदय में बैठते हैं। जब हम इस प्रकार से समझेंगे तो धृतराष्ट्र की तरह नहीं सोचेंगे। तो इस प्रश्न के साथ भगवद्गीता शुरू होती है, जो कि काफ़ी अटैचमेंट एंड ग्रीड एंड एनवी, द्वेष, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। ये पहला प्रश्न ही बहुत सारे द्वेषों को दिखाता है। तो क्या इसका आंसर होगा, इसको हम कल सुनेंगे। भगवद्गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय।